आप जरा इनके पास बैठ जाइए। देखिए इंजेक्शन तो हमने दे दिया है, लेकिन जब इन्हें होश आएगा और अपने बच्चे के बारे में पूछेंगी तो क्या कहेंगे आप? कान्हा, तुम तो जानते हो ना कि हमारे दिल में क्या है, किस बात की सजा मिल रही है हमें। कान्हा, तुम लाची दीदी के सारे दुख हमें दे दो और हमारी सारी खुशियां लाची दीदी को दे दो। आप कैसे भीगी बिल्ली बनकर गिड़गिड़ा रही है? अरे ना तो हमसे पंगा लेती ना ये सब होता, अब भुगत। क्या हुआ सरजू? भाई वो राधा घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। राधा घर में नहीं है? जेठानी जी इतनी रात को कहाँ गई होगी ये? इसमें इतने हैरान होने की क्या बात है? उसे तो आदत है जो मन में आए वो करने की। जरूर कोई नया फितूर आया होगा दिमाग में, बस वही पूरा करने गई होगी। माई, हम राधा को बाहर देखकर आते हैं। बेचारी ये यहाँ बेहोश पड़ी है, लेकिन राधा का दिमागी फितूर कम नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर इसका ध्यान रखें या फिर राधा को ढूंढने भागे? अरे जेठानी जी, कम से कम ऐसे समय में तो उसे अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। पहले क्या कम रहता फैला रखा है लाची की जिंदगी में जो अब ये सब कर रही है? बस चाची, यहाँ पर भी नहीं है राधा, आखिर गई कहाँ? कहीं उसे भनक तो नहीं पड़ गई हमारी चाल की? अगर ऐसा हुआ तो वो हमारी चाल हम पर ही पलट देगी, फिर तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, अगर ये बात हमारे पतिदेव को पता चल गई तो वो हमें धक्का मार के यहाँ से भगा देंगे। अब क्या होगा तेरा फुलमनी? हमारा तो सर चकरा रहा है। बबुआ, लाची, लाची, माई, इसे होश आ रहा है माई? हाँ, लाची, बबुआ कैसा है माई? हमारा बबुआ कैसा है माई? बबुआ कैसा है माई? कुछ बोलती क्यों नहीं? आप चुप क्यों है? बताइए ना, हमारा बबुआ कैसा है? आराम कर भौनी। कहाँ है हमारा बबुआ? हमारा बबुआ कहाँ है? कहाँ है हमारा बबुआ? भौनी आराम कर। तुम सब चुप क्यों? हमारा बबुआ कहाँ है? तुम आराम करो। हमारा बबुआ कहाँ है? भौनी, अरे शांत हो जाओ। हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारा बबुआ चाहिए। हमें हमारा बबुआ चाहिए। कहीं से मिला के तो हमारा बबुआ, हमें हमारा बबुआ चाहिए। चलो बोलो, ये रहा तुम्हारा बबुआ।